फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो पार्ट 7 है फायरवॉल रूल के अंदर। और हमारा जो ये वीडियो फायरवॉल जो अभी हमारा स्टार्ट होगा, तो अभी मैंने आपको कहा था कि जो भी हमारा वीडियो होता है वो कंटिन्यू हमारा पार्ट वाइज होता है। तो फायरवॉल रूल के अंदर पार्ट 6 को देख कर ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा, और ये वीडियो वहीं से मैं स्टार्ट करूँगा। तो ये जो फायरवॉल जो है, अभी आप देख सकते हो कि जो भी हमारा सिस्टम जो होता है वो फायरवॉल जो किस तरह से काम करता है यहाँ पर। तो फायरवॉल जैसे आज इस वीडियो के अंदर पूरा होगा, तो उसके साथ मैं आपको एक और यहाँ पर फीचर्स के बारे में बताऊँगा यहाँ पर, कि कुछ यहाँ पर जो फीचर्स हमारे कवर करने रह गए थे यहाँ पर। ओके, तो हमें किस तरह से फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना है, किस तरह से फायरवॉल को यूज़ करना होता है यहाँ पर। तो फायरवॉल की मैंने और भी वीडियो बनाई है यहाँ पर, तो वो वीडियो देखकर कंटिन्यू आप इस वीडियो को देखें, तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि हमारी जो वीडियो होती है, अगर आपको पार्ट वाइज मिलती नहीं है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, और आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ओके, तो फायरवॉल के हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक के इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देख सकते हो कि रूट से ये लिखा है यहाँ पर इंटरमीडिएट। तो रूट क्या होता है, बहुत ही पावरफुल यहाँ पर यूजर होता है यहाँ पर रूट सर्टिफिकेट और एडिकेशन। तो ये मेन बेसिकली हमारा जो डेटा को जो हम यूज करते हैं तब यहाँ पर रूट होता है यहाँ पर। ओके, ब्राउज यहाँ पर देख सकते हो कि ब्राउज कर सकते हो आप। अब यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया। तो जो नेटवर्क के साथ जितने भी कंप्यूटर मेरे साथ कनेक्ट होंगे उसको भी यही सेटिंग्स करने होंगे, जब तक वो सर्टिफिकेट के थ्रू यहाँ पर आपको साइन इन करवाना है किसी कनेक्शन को, किसी को रूल्स को अप्लाई करना है, तो आपको उसको भी यहाँ पर और सामने वाले कंप्यूटर के अंदर दोनों के अंदर सेम ही सर्टिफिकेट ऐड करने होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर सर्टिफिकेट के अंदर जो फाइल होती है उनका जो कोड होता है वो अलग अलग मेंशन किया जाता है, और ये तभी यहाँ पर होता है जब हमारा कंप्यूटर के अंदर हमने विंडोज़ को अपडेट करते रहते हैं। जैसे जैसे विंडोज़ को अपडेट करते हैं, तो जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो इंजीनियर्स होते हैं, हर एक का डिपार्टमेंट का काम अलग अलग होता है। सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट अलग काम करता है, यहाँ पर डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट अलग काम करता है, यहाँ पर एल्गोरिथम कोड डिपार्टमेंट अलग काम करता है, प्रोग्राम फीचर्स जो कौन प्रोवाइड करता है वो डिपार्टमेंट अलग काम करता है। लेकिन सबका एम यही होता है, सबका मेन टारगेट यही होता है कि बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हो, बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर सर्विसेज, यहाँ पर फीचर्स और कनेक्शन के साथ साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड हो। तो यहाँ पर जब भी हमारा कोई कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो कि जितने भी यहाँ पर सर्टिफिकेट देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है। लेकिन उस सर्टिफिकेट को कैसे पहचाने, किस तरह से होता है, तो यहाँ पर मैं आपको कोई भी सर्टिफिकेट बताता हूँ। यहाँ मान लो कि अभी ये माइक्रोसॉफ्ट रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट है यहाँ पर, और ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी रहता है कब वैलिड हुआ था यहाँ पर 3/23/2011, ये 2036 तक ही ये वैलिड होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ये एक्सपायर हो जाएगा। मतलब इस सर्टिफिकेट के अंदर आपको क्या, एक्सपायर होने के बाद यही प्रॉब्लम होगी कि इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही विंडोज़ को अपडेट कर देंगे, तो 2036 से जो जितने भी आपके यहाँ पर सर्टिफिकेट के यहाँ पर कुछ कोड होते हैं यहाँ पर, वो आप सेट कर सकते हो यहाँ पर। तो डिपेंड है यहाँ पर कि आप, और आपको बताऊँ यहाँ पर कि यहाँ पर ये भी आप देख सकते हो पी, यहाँ पर टाइम स्टैम्पिंग लिखा है यहाँ पर, सीए लिखा है सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो ये भी एक तरह का जिसने यहाँ पर इश्योर किया है, ये जो देख सकते हो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है। यहाँ पर दूसरी यहाँ पर टाइम स्टैम्पिंग लिखा है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट फ्लोर सर्टिफिकेट देख सकते हो यहाँ पर, और एक यहाँ पर सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर ये जो टाइमिंग क्या है, टाइमिंग क्यों लेते हैं, क्योंकि हर सर्टिफिकेट का एक्सपायर डेट होता है यहाँ पर, और सर्टिफिकेट का एक्सपायर डेट इसलिए मेंशन किया जाता है कि अगर कोई कोड जो होते हैं वो नए आते हैं तब कर सकते हैं यहाँ पर। कोई सर्टिफिकेट की प्रॉपर्टीज आपको ऐड करनी है, तो प्रॉपर्टीज देख सकते हैं यहाँ पर, ये सर्टिफिकेट है वर्जन है। तो ये सर्टिफिकेट क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली एक फाइल होती है जो कोड के साथ
यहाँ पर अटैच हो रहती है यहाँ पर हमेशा। और यहाँ पर सिग्नेचर एल्गोरिथम जो होता है यहाँ पर कौन सा यूज़ होता है यहाँ पर, तो बेसिकली जो सिक्योरिटी एडवाइज़र होगा वो सिक्योरिटी यूज़ करने वाले लोग होते हैं वो बेसिकली ये सर्टिफिकेट को जरूर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका काम यही होता है कि कोई भी ये सर्टिफिकेट दिया क्यों है, क्योंकि सर्टिफिकेट का काम ही यही है कि कोई ऐसा प्रोग्राम का पाथ, जितने भी वैसे कहें ऐसे प्रोग्राम का यहाँ पर फाइल का पाथ जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है एडवांस, तो यही होते हैं यहाँ पर। कुछ लोग होते हैं कि डिफॉल्ट रहने दो, डिफॉल्ट रहने दो, डिफॉल्ट रहने दो, लेकिन जैसे ही डिफॉल्ट रखती हो तो कोई हैकर होता है, कोई यहाँ पर जितने भी डेटा हम चोरी होती है तो वो डिफॉल्ट जानता है कि डिफॉल्ट कौन से सेटिंग्स, क्योंकि उसने उसी तरह से पढ़ाई की है यहाँ पर, उसी तरह से उसने प्रैक्टिस की है, तो वो जल्द से जल्द क्या करेगा, वो सीधा आपके सिस्टम के अंदर एंटर हो सकता है, हो सकता है आपके सिस्टम के नेटवर्क को ख़राब कर सकता है और आपके डेटा भी चोरी हो सके। यहाँ पर एक्सेप्ट ओनली हेल्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पर इनेबल सर्टिफिकेट, अकाउंट मैपिंग, हेल्थ सर्टिफिकेट क्या होता है मैं आपको कहना चाहता हूँ। जब एडवांस पर क्लिक करोगे तो रिस्ट्रिक्ट करना है, किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करना है, या पर सिलेक्शन किया करना है, यहाँ पर वैलिडेशन किया है तो कोई सेलेक्ट किया है आपने सर्टिफिकेट को, सिलेक्शन ओनली करना है, वैलिडेशन करना है तो वैलिड कर सकते हो आप, यहाँ पर ऐड करना है किसी सर्टिफिकेट के थ्रू यहाँ पर तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तो नॉट रिस्ट्रिक्ट बताया यहाँ पर। यहाँ पर कोई भी आप ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। सर्वर ऑथेंटिकेशन देख सकते हो, यहाँ पर सर्वर ऑथेंटिकेशन का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर उसको ऐड करने जा रहा हूँ, यहाँ पर ऐड किया है तो रिक्वायर होगा, जब भी आप मेरा सर्वर ऐड होगा तो सर्वर को क्या, सर्वर को मुझे बताना पड़ेगा कि मैं ऑथेंटिकेशन यूज़र हूँ। ओके, तो ये यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या होता है कि सेलेक्ट नेम टाइप, तो सर्टिफिकेट का जो नेम होता है उसको, उस नेम को रिस्ट्रिक्ट करना है, कोई आपका सर्टिफिकेट ढूंढने की कोशिश कर रहा है उसको नेम का टाइप करता है, वो नेम उस तरह उस तरह इनपुट आउटपुट करने के लिए यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पर अल्टरनेटिव DNS जो होता है वो एंटर करता है, तो वो क्या होता है बहुत सारी वो ईमेल के थ्रू, DNS के थ्रू, प्रिंसिपल के थ्रू, यहाँ पर सब्जेक्ट को इनपुट आउटपुट के थ्रू यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर होते हैं, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट जो होते हैं वो बहुत सारे यहाँ पर इस तरह से, तो मैं कहूँगा DNS पर सिलेक्ट करके रखो। और सर्टिफिकेट का नेम जो क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन करेगा, तो कोई भी वो सर्टिफिकेट ढूंढने की कोशिश करता है करो आपके कनेक्शन को तोड़ने की या फिर ब्रेक करने की, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको आप यहाँ पर रोक सकते हो। सर्टिफिकेट का नेम यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर SS माई सर्टिफिकेट माई सिक्योरिटी लिख लेता हूँ यहाँ पर, लेकिन नाम ऐसा रखें क्योंकि सामने वाले हैकर को पता ना चले, जब भी वो कोडिंग करेगा तो यहाँ पर मैं सीधा सिंपल लिख देता हूँ यहाँ पर SSVT, तो मुझे पता होना चाहिए कि सर्टिफिकेट है। ओके, सर्टिफिकेट में यहाँ पर थंब प्रिंट होता है, तो थंब प्रिंट क्या होना चाहिए, थंब प्रिंट के अंदर आपकी कोई भी ऐसी कोई थंब प्रिंट, मतलब हम जो टाइप करते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये थंब प्रिंट हो चुका है यहाँ पर। फिर आपको क्या करना है, फॉलो सर्टिफिकेट रिन्यूअल करना है, तो मैंने कहा था कि कुछ टाइम के बाद हमारा सर्टिफिकेट क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसको रिन्यू करना, तो रिन्यू करना होगा। ओके, जैसे आप अपडेट करते हो अपने सिस्टम को तो वो रिन्यू हो जाएगा यहाँ पर सर्टिफिकेट। ओके, जैसे करूँगा तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर क्या बता रहा है यहाँ पर कि थंबनेल मस्ट बी 14 कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और हैक्स वैल्यू नो स्पेसेस आर अलाउ, तो हैक्स वैल्यू के अंदर हमें देना होगा इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर। लेकिन मुझे आपके ऊपर थंब प्रिंट पर को समझाना था, तो कोई भी आप हैक्स वैल्यू दे सकते हो यहाँ पर। हैक्स वैल्यू का मतलब ये, तो आपको 14 नंबर के अंदर अगर मैं कहूँ तभी तब भी वो नहीं होगा, इसका कारण यही है, देख सकते हो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका मैंने स्पेस अलाउ नहीं करना है यहाँ पर, इस तरह से जैसे तो यहाँ पर कैरेक्टर जो फॉर्मेटिंग है वो हैक्स वैल्यू के अंदर होना चाहिए, जैसे तो हैक्स वैल्यू इस तरह से होती है, यहाँ पर हैक्स वैल्यू के अंदर आपको ऐड करना होता है। फिर आपको एनेबल सर्टिफिकेट, आप अकाउंट मैपिंग करना कर सकते हो, और ये हेल्थ सर्टिफिकेट भी होता है यहाँ पर, की एंटर करके रखी है पहले से ही मेथड को, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन बेसिकली मैं यहाँ पर आप देख सकती हूँ कि मैं सर्टिफिकेट ही रखूँगा, लेकिन मुझे सर्टिफिकेट की फाइल होनी चाहिए मेरे पास। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके ये सेलेक्ट हो गया है यहाँ पर, ओके करूँगा वो ऐड हो गया यहाँ पर, देख सकते हो आप। उसको रिमूव करना तो कर सकता हूँ, जब फर्स्ट जो ऑथेंटिकेशन होगा मैं पहले को ऑथेंटिकेशन करूँगा मैं कंप्यूटर को, तो ये पहले इस तरह से यहाँ पर इस सर्टिफिकेट को ढूंढेगा रूट। ओके, तो इस तरह से होता है यहाँ पर।
तो कंप्यूटर की आपकी VPN है, आपके ऊपर किस तरह सब कुछ सेट करना है, एडवांस का यही काम होता है यहाँ पर। तो क्या लोग कैमरास पर ही काम करते हैं यहाँ पर, तो एडवांस पर ज़्यादा काम करोगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि कैमरास जो है वो पहले से ही कुछ सिस्टम के कारण यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा, जैसे कि यहाँ पर पोर्ट, वही चीज़ होती है, यहाँ पर पोर्ट आपको बताना होगा, पोर्ट कौन सा होना चाहिए, HTTP, UDP, TCP या तो WSL 6, IP WSL 6, तो मैं कोई भी एंटर करूँगा, कोई भी IP एड्रेस के प्रोटोकॉल के थ्रू वो एंटर होता है यहाँ पर। इनबाउंड और आउटबाउंड, बाहर के कनेक्शन में अंदर आता है, अंदर का बाहर बाहर की तरफ जाता है, तो जब वो ऑथेंटिकेशन होता है वो यहाँ पर ही आएगा, पोर्ट के थ्रू भी आएगा। तो कोई भी आईपी एड्रेस के थ्रू यहाँ पर मैं कोई भी प्रोटोकॉल के ऊपर आए तो मुझे ऑथेंटिकेशन मांगे, मुझसे परमिशन ले, तभी वो मेरे अंदर डेटा ऐड करे। फिर आपको कौन सा यहाँ पर ऐड करना है, डोमेन, प्राइवेट, पब्लिक, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर तो डोमेन के ऊपर, प्राइवेट के ऊपर, पब्लिक के ऊपर, रिपीट है आपके ऊपर, तो मैं तीनों के ऊपर रखूँगा। और फिर से वही चीज़ नाम देना है यहाँ पर, ओके। तो मैंने कोई नाम दिया यहाँ पर, जैसे यहाँ पर माई करने सन, और मैं डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ यहाँ पर कि इनबाउंड इन एंड आउट कनेक्शन सिक्योरिटी, ओके। और मैं सीधा डायरेक्ट सीधा जैसे ही फिनिश पर क्लिक करूँगा तो वो ऐड हो जाएगा, कि वो फिनिश पर जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पर ऐड हो चुका है। यहाँ पर अब वो क्या करेगा, स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर मेरा रूल, और सीधा कोई भी आप देख सकते हो कि इनेबल करके रखा है यहाँ पर। तो इस तरह से आप दोनों इनबाउंड रूल्स और आउटबाउंड रूल्स की कनेक्शन जो होता है यहाँ पर, जो हमारे हम यहाँ से किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं, कभी हम नेटवर्क के अंदर हम कनेक्शन भेजते हैं, या तो फिर हम कनेक्शन एंटर करते हैं, तो भी हम ऐसा यूज कर सकते हैं कि हम कोई भी www.google.com लिखते हैं, तो हम रिक्वेस्ट जब भेजेगा यहाँ पर कि गूगल मुझे रिक्वेस्ट देगा कि कोई वेबसाइट में ओपन करता है, कोई वेबसाइट मुझे कनेक्शन की मेरे कंप्यूटर के अंदर आउटबाउंड और इनबाउंड के थ्रू मेरा यूज़ कर रहा है वो कनेक्शन, तो वो भी मुझसे परमिशन लेगा, और वो कौन से डेटा भेजने चाहिए, कौन से डेटा रोकने चाहिए, वो भी मुझे करना होता है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी हमारे कंप्यूटर के अंदर, नेटवर्क के अंदर कुछ वायरस होते हैं, कुछ ट्रोजन्स होते हैं, कुछ वर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे यहाँ पर डेटा होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को डैमेज करते हैं, नेटवर्क को डैमेज करते हैं, यहाँ पर हमारे सर्वर को डैमेज करते हैं, साथ ही साथ हमारे कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम के अंदर ऐसे जो क्रैश होते हैं यहाँ पर हार्ड डिस्क यहाँ पर, तो उसको रोकने के लिए बहुत ही अच्छा ये कनेक्शन सिक्योरिटी है, ओके। तो फायरवॉल का यही काम होता है यहाँ पर, ओके। तो बेसिकली यही सिस्टम होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर क्या होता है, फिल्टर वही चीज़ है, फिल्टर बाय प्रोफाइल, फिल्टर बाय यहाँ पर स्टेट है, रिफ्रेश में आपको बता दिया था पिछली वीडियो के अंदर, ओके। फिर मैं मॉनिटरिंग बताता हूँ यहाँ पर, मॉनिटरिंग क्या होता है, आपको मॉनिटर मतलब मॉनिटर करना होता है आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट में एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स के अंदर परफॉर्मेंस मॉनिटर, तो आप वीडियो जाकर देख ले, परफॉर्मेंस मॉनिटर जैसे काम करता है उसी तरह से यहाँ पर मॉनिटरिंग भी काम करता है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डोमेन प्रोफाइल है, प्राइवेट प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल, तो अभी तो आप देख सकते हैं कि डोमेन प्रोफाइल पब्लिक के बीच क्या होता है, अभी आपको तीन प्रोफाइल बताई हुई है, तो कौन से यहाँ पर प्रोफाइल होती है, यहाँ पर किस तरह की प्रोफाइल होती है, तो मैं बताता हूँ डोमेन प्रोफाइल क्या होती है। डोमेन प्रोफाइल का फायरवॉल ऑन है या नहीं है, ऑन है, इनबाउंड कनेक्शन कुछ यहाँ पर मैच रूल ब्लॉक हुए तो हुए, यहाँ पर बताया यहाँ पर कुछ कनेक्शन यहाँ पर रूल अलाउ हुए तो हुए, तो फायरवॉल स्टेट जो आप देख सकते हो कि विंडोज फायरवॉल ऑन है, कुछ इनबाउंड कनेक्शन यहाँ पर मैच हो चुके हैं तो हो चुके हैं, यहाँ पर कुछ यहाँ पर कनेक्शन ब्लॉक हो चुके हैं, यहाँ पर हो चुके हैं, यहाँ पर जिस पर बता रहा है यहाँ पर, यहाँ पर कुछ कनेक्शन अलाउ हो चुके हैं, तो यहाँ तीसरा भी बताया है अलाउ हो चुका है। यहाँ पर जनरल सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो आपको डिस्प्ले नोटिफिकेशन बताएगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्रोग्राम ब्लॉक कुछ है यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर, तो यहाँ पर यस बता रहा है यहाँ पर, अप्लाई लोकल फायरवॉल रूल्स जो है, फायरवॉल रूल्स अप्लाई हो चुके हैं यहाँ पर,
तो हो चुके हैं यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पर यस कह रहा है, यहाँ पर कुछ लोकल कनेक्शन सिक्योरिटी रूल्स एड हो चुके हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो यस लिखा है यहाँ पर। ओके, फिर लॉगिन सेटिंग्स क्या होता है कि लॉगिन की किस तरह से सेटिंग्स होनी चाहिए, तो यहाँ पर लॉग जो होते हैं वो लॉग हमारा काम होता है कि हम सारी सेटिंग्स के साथ कनेक्शन की जानकारी रखें। तो ये जो फाइल्स होती है फाइल हमें बता रहा है यहाँ पर कि जैसे तो यहाँ पर लॉग है यहाँ पर, तो क्रिएट कर सकते हो न्यू फाइल को यहाँ पर। ओके, तो लॉग किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से ऐड करना है, तो ये लॉगिन इंफॉर्मेशन है। फाइल मैक्सिमम साइज बता रहा है, जैसे जैसे आप देख सकते हो कि 496 KB की है, मतलब 4 MB की फाइल हो चुकी है यहाँ पर, 4 MB की कोई फाइल है यहाँ पर, यही फाइल है यहाँ पर फायरवॉल डॉट लॉग। यहाँ पर ड्रॉप पैकेजेस, कोई पैकेज ड्रॉप किया है उसने तो नहीं किया, क्योंकि मैं अभी कोई कनेक्शन के साथ कनेक्ट नहीं हूँ, कि कोई लॉग ऐसे सक्सेसफुल कनेक्शन हो चुके हैं तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। रिएक्टिव फायरवॉल रूल्स वही ले जाएगा, वही पर ले जाएगा फायरवॉल रूल्स। तो बेसिकली आपको इस तरह से समझना होता है। ओके, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे सिस्टम के अंदर और भी यहाँ पर फाइल्स के नेम, फिर फाइल के मैक्सिमम साइज, ड्रॉप पैकेट्स, यहाँ पर लॉग सक्सेसफुली कनेक्शन इसके लिए भी है। फिर यहाँ पर देख सकते हो कि डोमेन प्रोफाइल के अंदर हो चुका है यहाँ पर, वही फायरवॉल्स एक्टिव है या नहीं, वही यहाँ पर देख सकते हो कि वही रूल से हमने ब्लॉक किए थे, ऑन किए थे पिछले वीडियो के अंदर, वही चीज़ है अभी। तो अभी तो आप देख सकते हैं इस तरह से। ओके, तो फायर वॉल पर जैसे क्लिक करोगे तो उसका यही आप देख सकते हैं यहाँ पर इन बाउंड इन आउट बाउंड दोनों के अंदर आपको बताएगा सिक्योरिटी रूल्स। ये मॉनिटर के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बताएगा कि प्राइवेट के अंदर क्या है, पब्लिक के अंदर क्या है, तो ये प्राइवेट तुम बता रहा हूँ यहाँ पर, वही सेम चीज़ है, कौन है या नहीं, यस है या नहीं। ओके, तभी आप यहीं पर देख सकते हैं इस तरह से। ओके, फायरवॉल के अंदर तो बेसिकली आपको तीन तरह की आपकी सिस्टम के ऊपर काम करेगा, नेटवर्क के ऊपर काम करेगा, डोमेन प्रोफाइल, प्राइवेट प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल। तो एक्टिव है अभी कनेक्शन सिक्योरिटी रूल्स, मैंने आपको बताया था क्या होता है पिछले वीडियो के अंदर। अब सिक्योरिटी एसोसिएट क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। मेन मोड क्या होता है, क्विक मोड क्या होता है, क्विक मोड मतलब जल्द से जल्द आपको क्विक मोड चाहिए, तो आपको अपने अरेंज किया है, आपको बना कर रखा है आपने, तो आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन उसके लिए आपको मेन मोड बताना पड़ेगा। सिक्योरिटी एसोसिएशन मेन मोड जो होता है वो क्या होता है कि बेसिकली आपके सिस्टम के अंदर जब देखते हो कि यहाँ पर कोई भी हमारा जो मेन मोड होता है, ऐप लॉक होता है, DNS होता है, इस तरह यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर सिस्टम्स होती हैं यहाँ पर, तो कोई भी हम बैकअप लेते हैं कोई भी चीज़ का या फिर कोई भी होता है, तो ऑथेंटिकेशन मेथड कौन सी होनी चाहिए, इंक्रिप्शन क्या होना चाहिए, तो ये जो मेन मोड जो होता है वो इनक्रिप्ट करने का होता है, और साथ ही साथ ऑथेंटिकेशन मेथड कौन सी होनी चाहिए, रिमोट एड्रेस क्या होना चाहिए, तो ये मेन मोड के अंदर होता है जो हमारी मेन सिस्टम के अंदर होता है। क्विक मोड मतलब कोई आपको मोड कोई मतलब कोई एक्शन जल्दी लेना है तो उसके लिए क्विक मोड होता है यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए। तो ये बेसिकली वहाँ पर होता है जिस जहाँ पर आपको कोई एक्शन जो है वो क्विक लेनी है आपको, तो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो यहाँ पर आपको क्रिएट करना नहीं मिलेगा, ये ज़्यादातर सर्वर के अंदर ऐड होता है यहाँ पर। तो आपको डिपेंडली आपको मैं बताऊंगा कि सर्वर के फायरवॉल जो होता है उसे सर्वर का फायरवॉल होता है वो उसी तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजिंग होते हैं सर्वर के फायरवॉल के अंदर। तो ज़्यादातर सर्वर जो फायरवॉल यूज़ होता है वो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो फायरवॉल यूज़ करती है वो हार्डवेयर बेस भी यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर बेस भी यूज़ करते हैं, दोनों यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो होता है यहाँ पर सिस्टम के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं फायरवॉल, आपको मैंने कहा था पिछली वीडियो के अंदर कि हमारा सिक्योरिटी के लिए होता है, लेकिन फिर भी हमारा जो वायरस क्यों होते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर कोडिंग जानते हैं ज़्यादातर वो लोग सिस्टम को समझते हैं, तो क्या होता है कि वो फायरवॉल को बाईपास करके सीधा अपना कनेक्शन बना देता है। तो बाईपास का मतलब यही होता है कि फायरवॉल को साइड पर कर देगा और बीच में डायरेक्ट कनेक्शन
एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे सारे प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको चैनल पर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।